हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपकी फ्रेंड कोमल। मैं आप सभी का मेरे चैनल फूड्स मीडिया पर स्वागत करती हूं। अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए आज की नई रेसिपी शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए सूजी के हलवे की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसमें एक खास इंग्रेडिएंट्स डलेगा जो हमारे बच्चों की हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले कढ़ाई में हम 2 बड़े चम्मच देसी घी डालेंगे, उसे अच्छे से मेल्ट होने देंगे, गर्म होने देंगे। फिर हम उसमें 1 कटोरी सूजी ऐड करेंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। जब तक कि सूजी भुन रही है, हम अपने एक खास इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे इसमें, जो हमारे और हमारे बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। हम लेंगे 1 बड़ा सेब। जी हाँ, हमें 1 बड़ा सेब लेना है। उसे अच्छे से छीलना है और महीन हैंड ग्रेटर जो होता है उसे हम ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। और देखिए, हमारी सूजी भी अच्छे से भुन गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े ग्लास पानी। पानी को मैंने हल्का गर्म कर लिया है। गर्म पानी डालने से सूजी अच्छे से जो हलवा बनेगा, अच्छे से खिले खिले हलवे बनेंगे। पानी देखिए मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें जो ग्रेट किया हुआ एप्पल था उसे भी हम ऐड कर लेंगे। अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स करके हल्का सा भून लेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कटोरी चीनी और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, सूजी अच्छे से खिले खिले है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम इसमें लास्ट में मैंने इसमें मिक्स किया है मिक्स ड्राई फ्रूट पाउडर, इसे हम लास्ट में ही ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए, हमारा हलवा बनके रेडी है। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए, कैल्शियम और विटामिन से भरपूर हमारा सूजी का हलवा बनकर रेडी है। तो चलिए इसे खाते हैं और इन्जॉय करते हैं। आई होप आप सभी को मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और हाँ, दोस्तों और रिलेटिव के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।